हाय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास ब्यूटी जोन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आज मैं लाई हूँ एक और रिक्वेस्टेड वीडियो। हर वीडियो में यही बोलना पड़ता है बिकॉज आप रिक्वेस्ट इतनी सारी करते हो ना। तो आप लोग कब से बोल रहे हो कि दीदी न्यूड लिपस्टिक का कलेक्शन दिखाओ ना, कुछ न्यूड लिपस्टिक्स बताओ हमें, कौन सी अच्छी हैं ब्राइडल किट में ऐड करने के लिए या वैसे ही अपनी कॉस्मेटिक किट में ऐड करने के लिए। तो मैं कुछ अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स उठाकर लाई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। अब ये टॉप 10 मेरी टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स हैं जो मेरी कलेक्शन है उसमें से। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई अच्छी न्यूड लिपस्टिक्स नहीं है टॉप 10 में आने के लायक, डेफिनेटली हैं, बट वो मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास है ना और जो मुझे बहुत पसंद है, उनमें से टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसमें इस तरह के कलर्स हैं जो फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन और डार्क स्किन टोन सबके लिए हैं। तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। लव यू सो मच पीबीजी फैम, आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी लुक कैसी लग रही है ये बताओ। मेरी लुक की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैंने भी न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है, बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया है, लैक्मे सीसी का मेकअप। वैसे बाय द वे, तुमने मेरा ब्राइडल लैक्मे सीसी मेकअप वीडियो देखा या नहीं अभी तक? नहीं देखा तो जल्दी से देखो, मैं टैग करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट मिस इट, यू विल लव इट। तो ये जो टॉप मैंने आज पहना है ये है मिंत्रा का टॉप, और साथ ही मैंने जो इयररिंग्स पेयर अप किए हैं ये मैंने लिए हैं शीन से। मैंने कहा था ना शीन का शॉपिंग हॉल जल्दी ही लाने वाली हूँ, लाऊंगी एक एक करके, पहले सब कुछ पहन लूं। तो बहुत ही प्रिटी डैंगलर इयररिंग्स हैं। तो चलो बिना ज्यादा देर लगाए शुरू कर लेते हैं हम अपनी न्यूड लिपस्टिक कलेक्शन को देखना। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी सुपर अफोर्डेबल फॉर यू ऑल। हर किसी को अपील करने वाली हैं इनके कलर्स, इनके प्राइसेस और इनके टेक्सचर्स भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये लिप क्रीम। ये बहुत ही प्यारा मैट शेड है, वेरी न्यूड 22 इसका शेड नंबर है। आपको सारी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर मिल जाएंगी और मैं इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। ये पिगमेंटेड भी है और ड्राई हो जाती है तो मैट फिनिश देती है। आपको लाइट वेट और क्रीमी फील होगी इसके बाद, मुझे अपने लिप्स ड्राई फील नहीं होते और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये आपको कफ्स एंड लैशेस पे 149 की मिल जाएगी। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये शेड। आप न्यूड कलर्स को किसी भी ड्रेस के कलर के साथ कैरी कर सकते हैं फॉर पार्टी ओकेशंस और जनरली फॉर एवरी डेज। नेक्स्ट है नंबर 2 पे LE18 कलर्स पॉप मैट लिपस्टिक। ये भी बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है और इसमें मेरा शेड नंबर है N51 न्यूड फिक्स। ये मैंने नायका से ली है ओनली फॉर ₹100। LE18 बहुत ही सुपर अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं और कॉलेज गर्ल्स के साथ काफ़ी पॉपुलर होती हैं। तो कॉलेज में मैं भी ब्राउन के शेड्स लगाना पसंद करती थी बिकॉज न्यूड काफ़ी सटल लगता है और ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं लगता। ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, अराउंड 4 to 5 आवर्स आराम से चलती है, मैट फिनिश देती है। इसकी सेमी मैट फिनिश है तो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करेगी, क्रीमी भी रहेगी और लाइट वेट भी है। बट येस यू माइट नीड टू अप्लाई इट अगेन आफ्टर अ फ्यू आवर्स, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है इनसाइट की ये मैट लिपस्टिक। ये कॉपर ब्राउन फैमिली का शेड है, बहुत ही प्यारा रस्ट ब्राउन सा शेड है और ये भी मैंने रिसेंटली परचेज करी थी, अभी 2-3 महीने पहले ही, मुझे इतना प्यारा लगा। द शेड इज A2 न्यूड कॉफी, जैसे कॉफी बीन्स का कलर होता है ना इन द लाइटर शेड ऑफ दैट, वैसे ही। एंड इट इज ओनली फॉर ₹80। ये मैंने नायका से पिकअप करी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप हैरान हो जाओगे, इन जस्ट ₹80 यू आर गेटिंग सच अ पिगमेंटेड लिपस्टिक। लॉन्ग वेयरिंग है, ये भी 5 to 6 आवर्स आराम से टिकती है, मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है इसका, क्रीमी है लेकिन आपको हल्की सी मैट फिनिश मिल जाएगी, सेमी मैट, और इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। एंड दिस ब्रांड इज क्रुएल्टी फ्री एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। तो मुझे ये शेड भी बहुत पसंद आता है, मेरी बहुत सारी ड्रेसेस के साथ चला जाता है। यू कैन इवन वेयर इट विद वेस्टर्न्स और विद योर एथनिक ड्रेसेस।
नेक्स्ट है आई एम्स्टरडम की ये मैट लिपस्टिक जो कि purple.com से मैंने ली है. ये सिर्फ पर्पल पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है. इसमें मेरा शेड है सॉर्बे 9 एंड यू गेट दिस फॉर ₹175. दिस इज क्वाइट पिगमेंटेड. मैंने एक न्यूली मैरिड वुमन का मेकअप लुक बनाया था इस लिपस्टिक के साथ. बहुत लोगों ने पसंद किया था इस शेड को, काफ़ी लोगों ने पूछा था. इसकी भी सेमी मैट फिनिश है, वेरी लाइट एंड मॉइस्चराइजिंग, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लगेंगे आपको लिप्स पे. तो विंटर्स में भी आप ये सारी लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हो. काफ़ी क्रीमी और रिच फॉर्मूला है. इसके अंदर पिंक और पर्पल मोविश काइंड ऑफ अंडरटोन है, तो मेरे हिसाब से मीडियम और मीडियम से थोड़ा सा डीपर स्किन टोन पर भी ये अच्छा लगेगा. फेयर वाले तो ऑफकोर्स अप्लाई कर ही सकते हैं इसको. नेक्स्ट मेरी टॉप 10 में जगह बनाई है मिस क्लेयर की एक्वा रोग लिपस्टिक ने. ये भी ब्राउन की फैमिली का है. आई लव दिस चॉकलेट ब्राउन कलर, बहुत ही प्यारा क्रीमी और रिच फॉर्मूला है. एंड इन दिस लिपस्टिक माय शेड नंबर इज 335. ये ₹165 की मैंने ली है कफ्स एंड लैशेस से. इसकी कवरेज मीडियम है. आपको इसकी एप्लीकेशन मेरे ख्याल से लास्ट करेगी फॉर अराउंड 4 to 5 hours. उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. बट दिस इज डीपली हाइड्रेटिंग, आपके लिप्स को बहुत बढ़िया तरीके से मॉइस्चराइज रखती है और एक वो ग्लेज्ड लिप्स वाली लुक आती है, हल्का सा ग्लॉसी लुक आ जाता है आपके लिप्स पर. ये मैंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में वेयर करी है, ग्लिसरीन स्किन केयर, इफ यू हैव मिस्ड दैट. और उस वीडियो में काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि दीदी आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है. तो दिस इज दैट शेड, आई लव दिस शेड. नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी लोटस हर्बल्स की दो लिपस्टिक्स जो मुझे बहुत पसंद है, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. फर्स्ट ये है लोटस हर्बल्स की प्योर कलर्स इन द शेड न्यूड ग्लो 647. ये मैट नहीं है, सैटिन फिनिश है इसकी, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है. एंड दिस लिपस्टिक इज इन्फ्यूज्ड विद एलोवेरा एंड जोजोबा ऑयल. 100% वेजिटेरियन ब्रांड है लोटस हर्बल्स का. काफी स्मूथ और बटरी फिनिश है इसकी और ये आपको ₹220 की मिल जाएगी. मैंने मिंत्रा से ली थी बट ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल मिलेगी. ये वाला लिपस्टिक का अंडरटोन भी पिंक है, शैम्पेन काइंड ऑफ पिंक कलर है, बहुत ही प्यारा लगता है. एंड दिस विल ऑल्सो गो फॉर फेयर मीडियम एंड लिटिल डीपर देन मीडियम स्किन टोन्स. नेक्स्ट लोटस हर्बल्स का ही एक और शेड है जो मुझे बहुत पसंद है. दिस इज ऑरेंजी कोरल शेड, बहुत ही प्यारा न्यूडस शेड है और इसका ऑरेंज अंडरटोन है. द शेड नंबर इज कोरल 679 एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर एग्जैक्टली सेम जो मैंने आपको पहली लिपस्टिक में बताई है. ये वाला शेड मुझे इतना प्यारा लगता है. ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए परफेक्ट शेड है एंड फॉर डे टाइम लुक्स और फॉर द नाइट वेयर पार्टी लुक्स सबके साथ ही ये न्यूड शेड बहुत ही प्यारा लगता है, वेरी गॉर्जियस. एंड दिस लिपस्टिक इज अगेन वेरी मॉइस्चराइजिंग, वेरी रिच एंड क्रीमी टेक्स्चर्ड, तो आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे. आप समर्स और विंटर्स दोनों सीजन्स में इस लिपस्टिक को कैरी कर सकते हो. वेरी ब्यूटिफुल कलर. ओके, नॉट टू मिस कि अभी तक आप देख रहे हो कि मेरी बुलेट लिपस्टिक्स ही नजर आ रही हैं मोस्टली आपको इस कलेक्शन में. एंड हियर आई हैव लैक्मे 9 to 5 का वेटलेस स्मूथ लिप एंड चीक टिंट, मुझे बहुत पसंद है ये. दिस इज इन द शेड ब्लश वेलवेट. मैंने बहुत सारे वीडियोस में वेयर किया है और हर वीडियो में मुझे भर भर के कॉमेंट्स आए हैं कि दीदी आपका लिप कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सा है. दिस इज अ लिटिल हायर ऑन द प्राइस साइड, अराउंड 600 कुछ का होता है ये वाला. बट आई एम ऑलवेज ऑन अ लुक आउट कि इसके ऊपर कब सेल लगी और ये हाफ में मिल जाए मुझे. तो मैंने ₹311 में अमेजोन से लिया है. आपको ये नायका वगैरह पर भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे कभी कभी मिल जाता है. दिस इज सच अ मूजी टेक्सचर लाइट वेट लिप कलर और आप इसको लिप एंड चीक की तरह भी यूज कर सकते हो बिकॉज चीक पर आप ब्लश की तरह स्टिंट को अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट ब्लेंड इट. इट गिव्स यू एब्सोल्युटली सुपर मैट फिनिश बट इट इज नॉट मैट इन अप्लाइंग. इन एप्लीकेशन इट इज सो रिच एंड क्रीमी, आपके लिप्स इतने सॉफ्ट रहते हैं. सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, 8 to 10 hours लास्ट करती है ये लिपस्टिक. And whenever I apply, it has some coconutty kind of fragrance. इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, जस्ट जब भी अप्लाई करती हूँ ना, I just feel like licking it. Moving on, I have added this newly in my top 10 nudes. This is a Biotique Natural Makeup Magic Color Collection. Biotique ने recently अपना new makeup line launch करी है और Nykaa पे इनके काफ़ी सारे products available हैं. तो मैंने 4 to 5 products pick up किए हैं, मैं किसी video में आपको ज़रूर दिखाऊंगी. बहुत ही प्यारा मोविश shade है,
काइंड ऑफ ब्राउन एंड मोव मिक्स है, तो दिस कैन बी वोर्न बाय मीडियम टू डीप स्किन टोन्स ऑल्सो. ये डीप स्किन टोन्स वालों के ऊपर भी बहुत प्यारा लगेगा. द शेड नेम इज कुकी क्रम्बल BR19 और बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक है. 125 की बायोटिक ब्रांड, आप लोग जानते हैं. स्किन केयर में भी मैं बहुत यूज करती हूँ. इट इज अ हर्बल ब्रांड एंड सिलिकॉन फ्री है, वीगन है, पिगमेंटेड एंड क्रीमी है. बस इसका एक छोटा सा कॉन है कि इसके अंदर ना आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल की स्मेल आती है, जैसे कोई चमेली का तेल लगाया हो, जैस्मिन ऑयल और सम हेयर ऑयल काइंड ऑफ वैसी फ्रेग्रेंस है. इफ़ यू कैन स्किप दैट, तो ये बहुत ही क्रीमी, रिच और बहुत ही प्रिटी शेड है. सिंस द शेड वॉज सो गुड, आई हैड टू इंक्लूड इट इन माई टॉप 10 न्यूड शेड्स. इतना प्यारा शेड है ये. दिस कैन गो फॉर बोथ योर वेस्टर्न एंड एथनिक वेयर. एंड नेक्स्ट आई हैव दिस अनदर लिक्विड लिपस्टिक. ये है ADS Pro Cosmetics की मैट मी लिप क्रीम, बहुत ही प्यारा. एंड इन दिस आई हैव माई शेड सन किस. ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए है. इसकी ड्राइंग मैट फिनिश है. एंड इसको लगाने से पहले इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करो, क्लीन करो और फिर इसे अप्लाई करो, नहीं तो आपके लिप्स जो हैं वो चैपी और ड्राई हो सकते हैं. बट इसका कलर इतना सुपर गॉर्जियस है. जब मैंने शुरू किया था ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तो मैं ADS और ये अफोर्डेबल ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स बाय करती थी मोस्टली. तब मैंने ये वाला लिप शेड पिक किया था. आई गॉट इट फॉर 200 देन, लेकिन ये अब अमेजोन पे ₹147 पे मिल जाता है. आई थिंक मिंत्रा, अली एक्सप्रेस, काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा. द शेड इज सन किस 419. लॉन्ग लास्टिंग है और पिगमेंटेड है. स्मूथ एप्लीकेशन है इसकी भी. वेरी प्रिटी शेड. मैं इसको अभी भी यूज़ करती हूँ. विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक लिस्ट. ऐसा नहीं है कि और मेरी कोई फेवरेट नहीं है. मेरे पास कलेक्शन में अभी भी बहुत सारी न्यूड लिपस्टिक्स हैं जो मैं चाहती थी इंक्लूड करना, बट देन फिर वो टॉप 10 की नहीं, टॉप 20-30 की लिस्ट हो जाती. स्टेक वर्की के काफ़ी सारे लिक्विड लिपस्टिक शेड्स हैं. मिस क्लेयर का लिक्विड लिपस्टिक है. बट दीज आर द टॉप 10 दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. तो कैसी लगी आपको मेरी कलेक्शन और इन सब में से आपके कौन कौन से फेवरेट्स हैं या कौन से आप यूज करते हो या कौन से आप यूज करके देखने वाले हो, परचेज करने वाले हो, ये सब मुझे कमेंट्स में डिटेल में पढ़ना है. ओके, तो फटाफट से शुरू हो जाओ कमेंट लिखना और बताओ मुझे कौन सा अच्छा लगा और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी. तो चलो मिलती हूँ एक और बढ़िया से वीडियो के साथ जल्दी ही. बाय एंड लव यू.